बोलिए क्या पूछना चाहती हैं। हमारी लड़की घर से चली गई है जेठ के लड़के के साथ में। जेठ के लड़के के साथ? हाँ। जेठ माने अपने पति का बड़ा भाई? हाँ। ओहो कितना बड़ा, ये तो भुगोर कलयुग वाली बात हो गई। तो भाई आप हिंदू हैं मुस्लिम? हिंदू है। जाति से? ब्राह्मण यादव? यादव। आइए थोड़ा पास में आइए। पुत्री श्वेता उर्फ नाम शोभा है, पुत्री गई है, लड़का मनीष कुमार से लव करती है। उस लड़के का नाम क्या है जिसके साथ गई है? मनीष। आप यादव हैं, रजिस्टर्ड? रजिस्टर। माँ का नाम है, पिता का नाम है, और माँ का नाम ज्ञानवती है, उसके लड़का के साथ गई है जी। आपका नाम ओमवती है जी, और उसके पिता का नाम लड़की के बाबू सिंह है जी, और उसके एक गर्भपात्र की स्थिति बन चुकी है जी। पुत्र की वहां आना असंभव है, लेकिन मैं बुलवा दूंगा, हमें बेटी से एक बार कान में बात करा दें कि हम आना चाहते हैं, इतना कहलवा दीजिए, रो के गा के कैसे भी हमारी गारंटी है, क्योंकि ये शादी नहीं है, ये बर्बादी है। वो हमसे बात नहीं करती है, बात कभी होती नहीं। माता जी बात नहीं होगी तो मैं आपकी कोई मदद नहीं कर पाऊंगा, कोई मदद नहीं कर पाऊंगा आपकी। जब से वो चाहे अच्छा लगे या बुरा लगे, जब से बात नहीं की है। मैं प्रयास करता हूं आपको हनुमान जी सहायता से, मैं एक उपचार बता रहा हूं उसको कर लीजिए। वो 2021 में 21 दिसंबर को गई, बोलो हाँ या ना जी। 2000 गर्भपात्र, एक बालक का हो चुका है, और आप 1000 रुपए जो हमने हनुमान जी के पास लिख दिया है, ये 1000 रुपए सोनू महाराज जी के पास जमा कर दीजिएगा जी, ठीक है, या अपने हाथ से स्वयं भंडारे में जाकर के ये अंशदान देकर जी, ये मान के चलो कि हम इस बुराई की त्रियोदशी कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? काय की बुराई की, बेटी की नहीं, जेठ की मोड़ाई नहीं, लेकिन गारंटी हमारी है 99% आपकी इच्छा पूरी हो जाएगी, आशीर्वाद है। कितने दिन में गुरुजी? वो बताएंगे जवाब को। बोलिए पंडोखर सरकार की, बोलो क्या पूछना चाहते हो जी। मैं 2018 में भी आया था। आप यहाँ आए थे? हाँ। क्या कराने आए थे जी? सर्विस के लिए आया। थोड़ा पास में आओ जिससे पढ़ सको, लात मात्र को फूट पे दोनों पर जो डाउन मान जी की उसमें। हाँ बोलो। ये सर्विस के लिए आया था, सहयोग बन रहा है, बट ये क्या है कि अभी कंफ्यूजन हो रहा है कि मतलब मैं दो किस सर्विस में जाऊँ, कौन से डिपार्टमेंट में जाऊँ, और तीसरी थोड़ी पिताजी थोड़ा परेशान रहते हैं मेरे, और घर में थोड़ा सा प्रॉब्लम चल रहा है। आप कितने पढ़े लिखे हैं? मैं पीएचडी की तरफ जाना, मतलब दो बार मास्टर्स कर चुका हूँ और पीएचडी की तरफ जाने की सोच रहा हूँ, और कंफ्यूजन हो रहा है। हिंदी आती है? हाँ जी, मैंने लिखा पढ़ी है। शासकीय जॉब होगी, घर में तंत्र क्रिया है, बरकत नहीं हो रही है, भवन टूटा, घर में शत्रुओं का से तनाव बना हुआ है, लोग शत्रुघात के चक्कर में लोगों ने मकान तोड़ दिया, आपको क्षति पहुंचा दी या परेशान कर दिया, इस पर्ची में नहीं लिखा जितने बोल गए मैडम। 20 फरवरी 2022 से 23 तक कृपा होगी, लाभ होगा, चिंता ना करें, धीरज और विश्वास रखो, आपके घर की सभी दिक्कतें खत्म होंगी, पंडोकर धाम की विधि को नियम से करें, आशीर्वाद है। जो पर्ची में नहीं बोल पंडोकर सरकार की। आप ये बताइए आपके पिता का नाम? धनलाल गुप्ता। धनलाल। माँ का नाम? जानकी। जानकी देवी। आप कहाँ से आए हैं? हम नई दिल्ली से हैं। नई दिल्ली से आए हैं। आप एक 10 का नोट दीजिए जो उनसे, और जिसका नंबर 4069 है, 4 अंक लास्ट कीजिए, मिलेंगे, कहीं से भी निकाल लो, आपके जेब में ये नोट मिलेगा, चाहे पर्स से निकालो चाहे जेब से निकालो, जिसका अंक लास्ट में 4069 होगा, दिखाइए। दस का नोट है। इससे ज्यादा और क्या चाहिए? लोग कहते हैं माथा पढ़ लिया, हमने तो जेम पढ़ ली, और फिर हमें चाटुकृता पसंद नहीं है, चाहे अपना व्यक्ति हो चाहे कौन को हो,
हमें टोक के दिखाओ, रोक के दिखाओ, और गलती हो तो हाथ पकड़ो, और सुराग दिखाई दे तो मूसा डाल दो। आप जैसे पढ़े लिखे लोग बेवकूफ बन रहे हैं, ये पंडों का सगाई कृपा मैं बना रहा हूं, तुम बन रहे हो। ठीक है ना गुरु जी? और सुनो, आपका एक तरफा प्रेम भी रहा प्रज्ञा से, उससे बातचीत नहीं होती है, और उससे शादी करना भी मत, आपके भाग्य में नहीं है। आपका एक प्रेम रहा है जिसका नाम था प्रज्ञा। बोलो हाँ है ना? बोलो हाँ जी। हम तो जब आरोप लगाए सिद्ध कर रहे हैं। बोलो ये हमने बना दिया, कैमरा पर दिखाओ भैया जो हम बना रहे रहो, जो बॉक्स बना दिया है, इस बॉक्स में हमने तुम्हारी सभी चीजें लिख दी हैं, प्रमाण लीजिए। और इसके बाद पीछे भी लो, जो हमने लिख दिया प्रेम एक तरफा रहा है प्रज्ञा देवी से वर्तमान में, लेकिन प्रेम के साथ साथ आपके समस्त प्रकार के खान पान थे। मैं ज्यादा कुछ कहूंगा नहीं, शॉर्ट में बोल दिया। सो शादी नहीं होगी, नहीं होगी, नहीं होगी, और आपकी सरकारी जॉब होगी, होगी, होगी। जाओ।